मैडम का घर में बैठ बैठ के हम लोग जब 2-3 बजे पहुंचे तब मैडम बाहर निकला, उसमें वो बीच का तुतु में होके हाथापाई भी किया मैडम ने, तो उसको लेके उसी समय में तार आदंग मैडम हमारा चीफ ऑडिटर था, हम तीनों मैडम वहाँ से हम लोग निकल गया, बेंजामिन का ऑडिट में हम लोग अटेंड नहीं किया, लेकिन हमारा दोनों दोस्त को अटेंड करवाया वहाँ पे। तो वो बात है, हम लोग आके भी नहीं आया हुआ नैनम का बात को हम समझ में नहीं आया, वो बात जो ये था हम लोग पहुँचा था, मैडम ने झगड़ा किया, हाथापाई हुआ, इसलिए एग्री मैडम हम लोग तीनों निकल गया वहाँ से। तो तार आदंग मैडम भी चीफ ऑडिटर है, वो भी वहाँ से कटअप हो गया, ना रिजाइनेशन हुआ ना कुछ हुआ। ऐसा हो के हम लोग ऑडिट तक नहीं पहुंच पाया, वो ऑडिट में भी जैसा अभी मैडम ने जैसे ब्रीफिंग में ऑडिट दिखाया बिना रिसिप्ट का, बिना मनी रिसिप्ट का जो दिखाया, सिर्फ प्रिंट आउट करके इतना इतना गया बोल के दिखाया, उसी में भी ऐसा ही दिखाया है। तो वो ऑडिट को तब भी हम नहीं माना है, आज भी हम नहीं मानेगा, और अभी हम दोबारा ऑडिट मांगेगा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया देख लिया उनका ऑडिट कैसा है, कितना खर्चा हुआ है। हम लोग सब एक औरत थे, घर में एक पानी जाना, एक गिलास पानी पीना, चावल खाना, उन्होंने जैसा हिसाब किया है ना वैसा हम लोग को भी पता है उनका घर में जैसे खाया पिया। तो हम लोग दोबारा ये ऑडिट को नहीं मांगेगा। तो मेरा और एक पॉइंट था कि हम 2016 से सर ने मैडम ने क्या किया सब बोल रहे हैं, ऑडिट हमको सिर्फ क्यों मांग रहा है, यासी मैडम बोला है कि हमको सिर्फ क्यों मांग रहा है, 2016 से लेके 6 से लेके 16 तक क्यों नहीं मांग रहा है ना। वो ऐसा है, एग्री मैडम बता रहा था कि 2006 से उन्होंने गियर अप करने के लिए आंगनवाड़ी को, जब आंगनवाड़ी है नहीं है किसी को पता ही नहीं था उस समय का बात है, वो आपू में एफिलिएटेड था, तो आपू में एफिलिएटेड होकर उन्होंने कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर में ही सिर्फ आंगनवाड़ी को ज़्यादा तक गियरअप कर पाया, उतना ही कर पाया। उस समय में उन्होंने भी पैसा ज़्यादा नहीं उठाया, 20 रुपये 50 रुपये हाँ मंथली कलेक्शन करता था, तब उन लोग को आंगनवाड़ी यूनियन को फॉर्म करने के लिए उस समय पैसा कलेक्शन का जरूरी था। तो अभी भी बचा है बोलने से बहुत मुश्किल से किया, बचा है बोलने से भी मुश्किल से 2-3 हज़ार ही होगा, क्योंकि उस समय में भी खर्चा दौरा दौरी या हम लोग का लेबर कमीशन में हम लोग का रजिस्टर कराने के लिए भी ना पैसा उसमें भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उस समय में जो करवा दिया नहीं होने। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हम लोग का यूनियन फॉर्म, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ 200-300 रुपये सिर्फ ऐसे चाय पानी के लिए दिया था। तो हमारा जालीश्वरम सर और एग्री मैडम उस समय से इतना तकलीफ करके आया, वो 20 रुपये और 50 रुपये को यसी मैडम इतना कॉन्फिडेंस के साथ में आज बोल रहे कि उसका समय का क्या किया नहीं किया, आप उसका ऑडिट को मांगो बोल रहे ना, हम मांगा है। उस समय में भी एग्री मैडम ने भी पैसा निकाल के बहुत कोशिश किया, और आपका समय में भी एग्री मैडम और तार आदंग मैडम ने 2016 में, खुद तार आदंग मैडम नहीं आया है, वो भी वर्कर है, किसी से पैसा लेके ग्रांटर करा के ग्रांटर बैठ बैठ के लेके आपका साथ में यूनियन फॉर्म कराया, आपका साथ गया डिस्ट्रिक्ट टूर वो भी गया है, ब्लॉक में जाके हम लोग जैसा वर्कर्स लोग को वो लोग ने गेरअप कराया, आपको भगवान का दर्जा था कि आपका साथ हम लोग ने काम किया था। वो सब पैसा को आप वो वर्कर्स लोग को आप नहीं बोल के सिर्फ नॉन आंगनवाड़ी को थैंक यू उनका बारे में बोला, हमको शर्म फील हो रहा है, उन्होंने ऐसा किया 2016 से लेके 17-18 तक हम लोग कहाँ में था, आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट टूर में आपका 17 का कॉन्फ्रेंस में लेके तावांग कॉन्फ्रेंस बोलो, आपका तीरप चांगलंग का बोलो या आपका जीरो का रैली बोलो, वो हर जगह में हम लोग है, हमारे पास में उसका प्रूफ है, हम लोग का पास उसका फोटो है, आपका पास है कि नहीं वो हमको पता नहीं, लेकिन नहीं हमको पता है, क्योंकि आपका आज तक ऑफिस भी नहीं है। उनको नॉन आंगनबाड़ी का चिंता, नॉन आंगनबाड़ी को अभी का समय में जब यूनियन को इतना नॉलेज मालूम हो रहा है वर्कर्स लोग को, अभी का समय में नहीं चाहिए बोलने जगह में, आप डिस्ट्रिक्ट में क्यों नॉन आंगनबाड़ी जबरदस्ती लड़का को बना रहे हैं, जो करके गए उन लोगों को तो हम लोग बहुत थैंकफुल है, हमारा जालीश्वरम सर का नाम को जरूर लेगा, उनको बहुत थैंकफुल है कि हम जैसा वर्कर्स लोग को, एक मामूली सा वर्कर्स को उन्होंने एक यूनिफॉर्म कराया, एक घर बना दिया, उस घर में हम लोग को सेफ्टी से रहने के लिए बना दिया था, उस घर में कुछ प्रॉब्लम होने से आप एक साथ जुट होकर आवाज़ उठाने के लिए बना लिया था, लेकिन आपने उसको डिस्ट्रॉय किया, हमने नहीं किया। आप आज प्रेसिडेंट रहो मत रहो, आप कल प्रेसिडेंट से निकल के भी चला जाएगा ना, वो आप अपना एक नॉर्मल पब्लिक रहेगा, लेकिन हम अपना डिपार्टमेंट का काम जब तक बुरी नहीं होगा हम लोग करेगा, जब तक हम लोग रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग करेगा, हम लोग का डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग फेस करते हैं, आगे जाके भी हम लोग करेगा, और हम लोग यूनिटी होकर उसको हम लोग सॉल्व करने का भी कोशिश करेगा, जैसे आपका साथ हम लोग करके आया है। 2-3 औरत नॉलेज होके जान रहे नहीं जान रहे, ये चीज़ को वापस आएगा बोलेगा, आप हमको डिफरमेंट केस देगा,
डिफर्मेंट केस आप किस चीज के लिए देगा? हम अपना राइट को मांग रहे, हमारा हक को मांग रहे, बल्कि आप हमारा डिफर्मेंट केस देगा, हमको आपको देना चाहिए। साइबर क्राइम में और डिफर्मेशन केस हम आपको देना चाहिए। आपको हमने ऑडिट मांगा है बोल के आपने हमको बदनाम करने का